हेलो दोस्तों, सोनी हॉस्पिटल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर क्लब पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकंड की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की यूनिट 6 को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपका हमारा वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम यूनिट 6 डिस्कस कर रहे हैं, डेमोग्राफी, जिसके अंदर हम आज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हमारे आज के टॉपिक के हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफी, स्कोप्स ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक साइकिल एंड टूल्स ऑफ मेजरमेंट। तो इस तरह से हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं जो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीन्स मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मीनिंग क्या है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेमोस एंड ग्राफो। डेमोस का मीन्स पीपल और ग्राफो का मीन्स टू राइट। तो इस तरह से ग्राफ का मीन्स हम कह सकते हैं एक तरह से राइट करके ग्राफ बनाना, डायग्राम्स के आप शो करना। तो इस तरह से ये वर्ड दिया था जॉन ग्रंट ने। तो इस तरह से डेमोग्राफी का फुल मीनिंग है जो पीपल्स हैं उनको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से शो करना, वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। इस तरह से मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी क्या हुआ, डेमो प्लस ग्राफी। डेमो का मीन्स पीपल, ग्राफो का मीन्स राइट। तो इस तरह से पीपल्स को बाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से उनको शो करना, बाय राइट करना, वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफिक एनालिसिस कैन कवर होल सोसाइटीज और ग्रुप्स डिफाइंड बाय क्राइटेरिया सच एज एजुकेशन, नेशनलिटी, रिलीजन एंड एथनिसिटी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूजुअली ट्रीट डेमोग्राफी एज फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। और देर आर इन नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट डेमोग्राफी डिपार्टमेंट्स। इस तरह से डेमोग्राफी एनालिसिस कई सारी चीज़ों को कवर करती है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, एजुकेशन को, नेशनलिटी को, रिलीजन को, एथनिसिटी को। इस तरह से कई सारे अलग अलग एरियाज मिलकर डेमोग्राफी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूजली ट्रीट डेमोग्राफी एज ए फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। तो फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी में हम इसके अंदर काम में लिया जाता है ताकि हम टोटल पीपल्स के, लोगों के बिहेव को, उनके क्राइटेरिया को, उनके नेचर को डिस्कस करके हम उसको अप्लाई कर सकें, अपनी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द चेंजेस ड्रफ अबाउट द इंटरप्ले ऑफ बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो इस तरह से डेमोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, उनका हमारे क्या प्रभाव पड़ता है, उनका हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन से हमारा क्या रिलेशन है, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, इनका ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, डेमोग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। डेमोग्राफी इज द स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इस तरह से डेमोग्राफी ह्यूमन पॉपुलेशन का एक विस्तृत डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में जानकारी करना, उसके बारे में एनालिसिस करना, खोज करना कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन वो किस तरह की है, किस टाइप की है और किस नेचर की है। तो वो हम ये सब किसके अंदर जान पाएंगे, डेमोग्राफी के अंदर जान पाएंगे। तो डेमोग्राफी इज द स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिटिक ऑफ एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एक मीन्स एक गणक जिसे हम गणिति के कह सकते हैं, गणना कह सकते हैं, जिसके अंदर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को देखते हैं, कितना बर्थ हुई है, कितनी डेथ हुई है, कितने माइग्रेशन हुए, इस तरह से उसके अंदर स्टैटिकल डाटाज को काम में लेते हैं, हम ह्यूमन पॉपुलेशन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। द स्टडी सिंपल से वर्ड्स के अंदर हम यदि जानना चाहें, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रिलेटेड टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। इस स्टडी को हम अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हम हमारे हेल्थ टारगेट्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो ये है डेमोग्राफी की डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ स्पेस, डी नन ऑफ अबव। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे आंसर है, डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जो हमने लास्ट स्लाइड 8 नंबर स्लाइड में देखा था, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, किस चीज से रिलेटेड, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन और कई सारे मेल, फीमेल,
रिलीजन, उस कई सारी चीज़ें आ सकती है इसके अंदर। तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट, डेमोग्राफी का क्या कंसेप्ट है, चलिए देखते हैं। डेमोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अलॉन्ग विद द सेप्शियल एंड टेम्पोरल चेंजेस इन देम, रेस्पॉन्स टू बर्थ, माइग्रेशन, एजिंग एंड डेथ। इस तरह से हमने देखा था डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन अंदर क्या स्टडी करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो किस तरह से फैल रखी है समाज के अंदर। देन उसका हमारे उसके ऊपर जो बर्थ है, डेथ है, माइग्रेशन है, एजिंग ऑफ पीपल है, डेथ, उनका ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरह से प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ इसके अंदर हम इसका मेन बेस है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं डेमोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरह की स्टडी करते हैं, हम उस ह्यूमन पॉपुलेशन को देखते हैं, इसकी साइज क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनी है, कैसे इसका फैलाव है, कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने एजिंग हैं, कितनों की बर्थ हो रही है, कितनों की डेथ हो रही है। तो इस तरह से इट इज़ द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज द साइंस ऑफ पॉपुलेशन। इन इट्स मोस्ट जनरल मीनिंग ए पॉपुलेशन इज सेट ऑफ पीपल हु लाइव इन ए स्पेसिफिक लैंड एरिया, ए कॉमन, ए डिस्ट्रिक्ट, ए कंट्री और ए कंटिनेंट। ए फॉर्मल डेमोग्राफी इज द कंसर्न विद ए साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरह से स्कोप ऑफ डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी इज द साइंस ऑफ पॉपुलेशन। मेनली डेमोग्राफी हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र क्या हो सकता है, कि डेमोग्राफी एक निश्चित हम कह सकते हैं लैंड एरिया हो सकता है, एक कम्युनिटी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, एक कंट्री हो सकती है, एक महाद्वीप हो सकता है। तो इस तरह से उनका स्पेसिफिक नेचर क्या है, उनकी साइज क्या है, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, डेमोग्राफी के अंदर करते हैं। तो इस तरह से इसका स्कोप वेरी ब्राइड है, वेरी ब्रॉड है एंड साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरह से स्कोप ऑफ डेमोग्राफी क्या है, वेरी ब्रॉड स्कोप है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, उसका स्ट्रक्चर, साइज एंड पॉपुलेशन सबका अलग अलग होता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं साइज इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इनहेबिटेंट्स इन द पॉपुलेशन। साइज का मीन्स होता है क्वांटिटी से, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, वो है साइज। डिस्ट्रीब्यूशन इज द अरेंजमेंट ऑफ पॉपुलेशन ए गिवन टाइम, जियोग्राफिकल और अमंग वेरियस टाइप ऑफ रेजिडेंशियल एरिया, मीन्स अलग अलग एरियाज के अंदर कैसे लोग रह रहे हैं, उनका क्या फैलाव है, कैसे वो फैल रखे हैं। तो इस तरह से अलग अलग भौगोलिक भूभाग के अंदर वो रह रहे हैं तो ये उनका क्या कहलाया, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया। कोई पानी के पास है, कोई नदी के पास है, कोई पहाड़ के पास है, तो उनका क्या कहलाया, डिस्ट्रीब्यूशन के कहलाया। थर्ड स्ट्रक्चर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सच एज जेंडर, ग्रुप एक्सेट्रा अमंग अ पॉपुलेशन। एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिट सच एज मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल लेवल, एथनिक कैरेक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा। मीन्स हमने यहाँ पे साइज देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अब जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इट इंक्लूड्स एज ऑफ पीपल, एज ऑफ पॉपुलेशन मीन्स बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। तो इस तरह से ये जो पॉपुलेशन कैसे किन लोगों से मिलकर बनी है उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर। इसके अंदर वो कई सारी चीज़ें काम में देख सकते हैं कि उन मैरिटल स्टेटस क्या है, वैवाहिक हैं अवैवाहिक हैं, कितने लोगों की शादी हो चुकी है, कितनों की नहीं हो चुकी है, ऑक्यूपेशनल उनका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या वो काम करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी जो भी हो सकती है, एजुकेशनल लेवल क्या है उनका, पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो अमीर है, गरीब है, मध्यम वर्गीय है। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन को उनका स्ट्रक्चर क्या है वो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो
उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या, उनका ऑक्यूपेशन क्या, इन सबके स्टडी से हम पता कर सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन किस टाइप की होगी, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, लिटरेट है लिटरेट है, अमीर है गरीब है। वो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये जब हम प्रोग्राम पॉलिसीज बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे को बेनिफिशियल होती है, ताकि हम उसके अनुसार हम अपनी प्रोग्राम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। थर्ड, चेंजेस इज द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टोटल पॉपुलेशन और ऑफ वन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, मीन्स अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक एरिया पॉपुलेशन क्या हो सकती हैं, पॉपुलेशन कहीं पर का ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है, कहीं पे औसत हो सकती है, तो इस तरह से इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उनके नंबर्स जो भी हैं उनके अनुसार हम उनको सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से स्कोप्स के अंदर यहाँ पे हमने साइज देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा, स्ट्रक्चर देखा एंड चेंजेस। इन चारों के अध्ययन करके हम क्या करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रोग्राम पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, देन उनका इवैल्यूएशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, जो हमने डेमोग्राफी देखी है उनके कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो किस तरह से शो होती हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, यहाँ पे कई तरह के टाइप्स बताए गए डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के। फर्स्ट है क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो इस तरह से उनकी सारी जो फुल फॉर्म है आपको यहाँ सामने बताई गई है, शॉर्ट फॉर्म ब्रैकेट के अंदर बताई गई है। तो इस तरह से आप याद रखिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है CBR का मीनिंग क्या होगा, क्रूड बर्थ रेट हो गई, GFR जनरल फर्टिलिटी रेट, CDR क्रूड बर्थ रेट, इस तरह से दीज आर द डेमोग्राफी इंडिकेटर्स। यदि बर्थ रेट ज़्यादा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, डेथ रेट कम है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, IMR ज़्यादा है तो उसका क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है, क्या फायदे हैं, वो उसके बारे में हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तो इस तरह से ये जो रेट्स हैं इनके थ्रू हम ये हमारी हेल्थ को इंडिकेट करती हैं। यदि डेथ रेट ज़्यादा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज आर पुअर, लोगों को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही है, इसलिए डेथ रेट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से हमारे हेल्थ सर्विसेज को, हमारे हेल्थ सेक्टर को ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। चलिए आगे, डेमोग्राफिक साइकिल, हर चीज़ का एक साइकिल होता है, वैसे डेमोग्राफी का एक साइकिल होता है। पॉपुलेशन कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, कभी औसत रहती है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, पॉपुलेशन क्या होता है, एक साइकिल की तरह, एक साइकिल के पहिए की तरह वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक साइकिल है 5 स्टेजेस, यहाँ पे डेमोग्राफी की 5 स्टेजेस बताई गई है। फर्स्ट हाई स्टेशनरी, सेकेंड अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ लो स्टेशनरी एंड फिफ्थ डिक्लाइन। तो इससे यहाँ पे डेमोग्राफिक साइकिल की 5 स्टेजेस बताई गई हैं, एक एक करके हम आगे स्लाइड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफिक साइकिल फर्स्ट स्टेज है हाई स्टेशनरी, जिसके अंदर क्या होता है, हाई दिया गया है, हाई स्टेशनरी, जिसके अंदर हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, इसके अंदर दोनों चीज़ हाई है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो इस तरह से हाई स्टेशनरी इसलिए नाम दिया गया है कि यहाँ पे जो बर्थ और डेथ रेट दोनों क्या है, हाई है। देन सेकेंड अर्ली एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या है, अनचेंज बर्थ रेट, मीन्स बर्थ रेट हाई है बट डिक्लाइन डेथ रेट, बर्थ रेट तो हाई है बट डेथ रेट क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग के अंदर क्या है, बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, डिक्लाइन मीन्स कम होने लग गई। थर्ड लेट एक्सपेंडिंग, फॉल इन बर्थ रेट, डेथ रेट फर्दर फॉल, मीन्स जो सेकेंड के, फर्स्ट और सेकेंड के अंदर बर्थ रेट अनचेंज थी, वो लेट एक्सपेंडिंग के अंदर क्या होने लग गई, कम होने लग गई, फॉल होने लग गई, गिरने लग गई, एंड डेथ रेट वापस से और ज़्यादा कम होने लग गई। ठीक है, जो सेकेंड के अंदर कम हो रही थी डेथ रेट, उससे ज़्यादा लेट एक्सपेंडिंग के अंदर और ज़्यादा डेथ रेट क्या होने लग गई, कम होने लग गई, इसलिए इसका नाम क्या गया दिया गया है, लेट एक्सपेंडिंग। देन लो स्टेशनरी, हमने हाई स्टेशनरी देखा था, बर्थ एंड डेथ रेट दोनों हाई थी इसलिए उसका हाई स्टेशनरी था। लो के अंदर क्या है, इसके अंदर जस्ट ऑपोजिट हाई का है, बर्थ एंड डेथ रेट दोनों क्या हो गई, लो हो गई है। ठीक है, इस तरह से
यहाँ पे जस्ट एक अपोजिट साइकिल बन रहा है। एंड लास्ट है डिक्लाइन, बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट। डिक्लाइन के अंदर क्या है, बर्थ रेट किससे कम हो गई है, डेथ रेट से कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से बर्थ कम हो रहा है और डेथ ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से डेमोग्राफिक साइकिल के 5 स्टेजेस बताई गई हैं। फर्स्ट हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइन। तो फर्स्ट हाई जो हाई स्टेशनरी उसके अंदर बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज्यादा होगी, लो स्टेशनरी के अंदर बर्थ एंड डेथ रेट दोनों कम होगी, अर्ली एक्सपेंडिंग के अंदर क्या होगा, बर्थ रेट सेम रहेगी, हाई रहेगी, लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। लेट एक्सपेंडिंग के अंदर बर्थ रेट भी धीरे कम होगी और डेथ रेट और ज्यादा कम होने लग जाएगी। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। सिंपल सा साइकिल है डेमोग्राफिक साइकिल, 5 स्टेजेस हैं, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइन। डिक्लाइन के अंदर क्या है, बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट, बर्थ रेट कम है डेथ रेट से। ठीक है, ये सब अलग अलग फेजेस के अंदर पॉपुलेशन के अंदर आती है, इसके कई सारे प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड है, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन वन लिखा है, तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन टू है। डेमोग्राफिक साइकिल हैज डॉट डॉट स्टेजेस, डेमोग्राफिक साइकिल की टोटल कितनी स्टेजेस हैं, A4, B5, C6, D7। रेशनल डेमोग्राफिक साइकिल है 5 स्टेजेस, जो हमने लास्ट स्लाइड 17 नंबर की स्लाइड में देखा था, यहाँ पे भी देखा था 17 नंबर की स्लाइड में एंड 16 नंबर की स्लाइड में देखा था कि डेमोग्राफिक साइकिल की टोटल कितनी स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर हुआ डेमोग्राफिक साइकिल हैज 5 स्टेजेस। देन टूल्स ऑफ मेजरमेंट मीन्स जो डेमोग्राफिक है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसके क्या क्या टूल्स हैं, कैसे हम उसको देखते हैं। तो मीन्स हमारी जो यूनिट सेकेंड है एपिडेमोलॉजी, यूनिट थर्ड है एपिडेमोलॉजी, जिसके अंदर डिजीज की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो यहाँ पे जो डिजीज की स्टडी करता है, एपिडेमोलॉजी डिजीज की स्टडी करता है, उसको क्या बताया गया है, एपिडेमोलॉजिस्ट। ठीक है, तो एपिडेमोलॉजी यूजली एक्सप्रेस हेल्थ इवेंट्स एज रेट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मीन्स हेल्थ इवेंट्स को यहाँ पे 3 टाइप से एक्सप्रेस करते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट। रेट्स, रेट्स का मीन्स हो गया दर, रेशियो का मीन्स अनुपात, एंड प्रोपोर्शन का मीन्स हो गया समानुपात। मीन्स रेट का मीन्स तो हो गया दर, रेशियो, रेशियो मीन्स हमेशा दो चीज के बीच में रेशियो अनुपात होता है, एक ए है और एक बी है। प्रोपोर्शन का मीन्स क्या हो गया कि एक ही चीज कितने समानुपात के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से हम इन तीनों चीजों को देखेंगे एक एक करके, जिसके द्वारा हम क्या हेल्थ इवेंट्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। रेट, ए रेट मेजर्स द अक्रेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट्स इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन गिवन पीरियड ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से रेट क्या है, एक निश्चित समय के अंदर कुछ घटना होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। ये रेट मेजर्स अकरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट्स इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन टाइम ऑफ पीरियड। मीन्स एक जैसे 6 मंथ के अंदर कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों ने डेथ हुई, तो इस तरह से एक फिक्स टाइम पीरियड हो गया, तो उसके अंदर कितने लोग जन्म हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो इस तरह से हम क्या पता कर सकते हैं, जन्म दर पता कर सकते हैं और मृत्यु दर पता कर सकते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए कंडीशन। ठीक है, मीन्स रेट क्या है, ऊपर नीचे डेवलप होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरह से रेट क्या है, एक डेवलपिंग कंडीशन है जो कम ज्यादा होती रहती है। इट इंडिकेट ए चेंजेस इन सम इवेंट्स टेक प्लेस इन ए पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मीन्स एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका एक फॉर्मूला देखते हैं, डेथ रेट का फॉर्मूला, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बताया गया है कि कितने लोगों की डेथ हुई, कितने
कितने समय के अंदर, मीडियन गिवन टाइम ऑफ पीरियड के अंदर, पीओपी का मीन्स क्या हो गया, पॉपुलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो एक निश्चित टाइम के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई उसको हम क्या कहेंगे, उसको 100 से गुणा करके हम क्या निकाल पाएंगे, डेथ रेट को निकाल पाएंगे, मतलब जनवरी से लेके जुलाई तक टोटल कितनी पॉपुलेशन थी, मीडियन, उसमें से कितने लोगों की डेथ हुई, जिसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगी, डेथ रेट आ जाएगी। तो इस तरह से एक निश्चित समय के अंदर कोई इवेंट्स होता है, बर्थ होता है, डेथ होता है, माइग्रेशन होता है, तो उस तरह से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। ये रेट कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, रेट्स के कुछ फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लायर। न्यूमरेटर का मीन्स होता है टोटल हमने कितनी चीज को यूटिलाइज किया, टोटल चीज में से हमने कितने भाग को यूटिलाइज किया। डिनोमिनेटर मीन्स होता है टोटल वस्तु हमारे पास कितनी है, टोटल वस्तु हमारे पास कितनी है। और मल्टीप्लाई मीन्स हो गया कि हमारे पास वो कितनी गुणा के अंदर वो अवेलेबल है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं, कुल 50 स्टूडेंट हैं, तो वो तो क्या हो गए, डिनोमिनेटर, उसके अंदर से 25 स्टूडेंट क्लास के अंदर अवेलेबल हैं, तो वो क्या हो गए, न्यूमरेटर। तो इस तरह से हमारे पास अटेंडेंस, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे इसका एक रेशियो आएगा कि 50% स्टूडेंट क्लास के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ अटेंडेंस रेट क्या हो गई, 50% हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे जो रेट होती है तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई। इस तरह न्यूमरेटर टोटल चीज़ में से हमने कितनी चीज़ का यूटिलाइज किया, डिनोमिनेटर टोटल चीज़ हो गई, और मल्टीप्लायर के हमारे पास में कितने गुना के अंदर वो अवेलेबल है। तो रेट के अंदर ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। सेकेंड, रेशियो, रेशियो एक्सप्रेस ए रिलेशन इन साइज बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटी, मीन्स रेशियो हमेशा दो अलग अलग क्वांटिटीज के अंदर या दो अलग अलग लोगों के अंदर, दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हम क्या करते हैं, उनको कंपैरिजन करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या है, रेशियो एक्सप्रेस रिलेशन, दोनों के बीच में रिलेशन दिखाता है, अलग अलग चीज़ों के बीच में क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। जैसे यहाँ पे एक्स रेशियो वाई, एस रेशियो वाई बताया गया है, तो मीन्स हम यहाँ पे देखें इंडिया का मेल एंड फीमेल रेशियो क्या है, इंडिया का मेल एंड फीमेल रेशियो 1000 मेल के ऊपर 921 फीमेल्स हैं। तो इस तरह से 1000 रेशियो 9:1 क्या हो गया, मेल फीमेल रेशियो हो गया। मीन्स इस तरह से दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या बताता है, रिलेशन बताता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। द न्यूमरेटर इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ द डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या बताया गया, रेट के अंदर हमने देखा था तीनों चीज़ें अवेलेबल है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है एंड मल्टीप्लायर है। रेशियो के अंदर क्या है, न्यूमरेटर इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंपेंड, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो इससे यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई यहाँ पे कॉम्पोनेंट नहीं है। दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व से इंटरवल ऑफ टाइम और मे बी स्टिमुलस इन ए टाइम, मीन्स ये अलग अलग समय के अंदर अवेलेबल एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं, उपस्थित होते रहते हैं और अपना इंपोर्टेंस दिखाते हैं। तो इस तरह से जैसे आगे एग्जाम्पल बताया गया है, द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन विथ स्केबिस एट ए सर्टेन टाइम, द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन विथ माल न्यूट्रिशन एट ए सर्टेन टाइम, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे अलग हो गई, ठीक है। जबकि रेट के अंदर क्या था, कुल चीज़ों में से कितनी चीज़ें हमने यूटिलाइज की, जबकि यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग ग्रुप हैं, इसके भी इस ग्रुप अलग हैं और माल न्यूट्रिशन ग्रुप अलग हैं, इसके भी इस कितने हैं और माल न्यूरिस्ट कितने हैं एक ही टाइम पीरियड के अंदर। तो दो चीज़ों के बीच में क्या बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है, उसको क्या कहते हैं, रेशियो, अनुपात। थर्ड, प्रोपोर्शन, समानुपात, मीन्स एक ही चीज हमारे पास एक टाइम पीरियड के अंदर कितने समान रूप से मौजूद है। ये प्रोपोर्शन इज रेशियो विच इंडिकेट रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए पार्ट ऑफ वॉल, मीन्स एक ही समय के अंदर एक ही चीज हमारे पास कितने टाइम के अंदर वो मौजूद है, मीन्स एक हमने देखा कि
किसी से क्वेश्चन पूछा, तो क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछा तो हमने उनसे आंसर लिया यस और नो के अंदर, ठीक है। यस और नो के अंदर हमने आंसर लिया, जिसका यस है उन्होंने अपने हाथ खड़े किए, ठीक है। तो हमारे पास में हम देखते हैं कि यदि यस के ज़्यादा अवेलेबल जबकि नो के कम है, तो वो यस क्या हो गया, एक तरह का प्रोपोर्शन हो गया। मीन्स एक ही समय के अंदर हमारे पास ज़्यादा कौन सी चीज़ अवेलेबल है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ए प्रोपोर्शन इज रेशियो विच इंडिकेट्स द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए पार्ट ऑफ वॉल। मीन्स एक वॉल पार्ट में से हमारे पास ज्यादा कौन सी चीज है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। द न्यूमरेटर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन डिनोमीटर। इसके अंदर भी क्या है, डिनोमीटर के अंदर ही न्यूमरेटर को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, अलग से नहीं है। जबकि रेट्स के अंदर क्या था, तीनों तीनों चीजें अलग थी, न्यूमरेटर डिनोमीटर एंड मल्टीप्लायर। ये प्रोपोर्शन इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज, हमेशा इसको परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्केबीज ए सर्टेन टाइम, द नंबर्स द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए विलेज एट ए सेम टाइम इंटू 1000। मीन्स इस तरह से जो प्रोपोर्शन, कितने परसेंटेज स्टूडेंट हमारे पास में यस के हैं, कितने परसेंटेज स्टूडेंट हमारे पास में नो के, मीन्स एक समान अनुपात के अंदर जो चीज़ वस्तु अवेलेबल है वो हमारे पास में कितने परसेंटेज तक, कितनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे परसेंटेज के अंदर शो करते हैं। जैसे 100% रिजल्ट रहा, 100% में से फर्स्ट डिवीजन कितने रहे, 70% फर्स्ट डिवीजन रहे, सेकंड डिवीजन हमारे पास 20% है और थर्ड डिवीजन हमारे पास में 10% रहे। तो इस तरह से हमारे पास समानुपात क्या हुआ, 70% तो फर्स्ट हो गया, 20% सेकेंड हो गया एंड 10% थर्ड हो गया। तो इस तरह से एक ही चीज हमारे पास में कितने अनुपात के अवेलेबल है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, अभी अब हम यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्ड। टूल्स ऑफ डेमोग्राफी मेजरमेंट आर रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन। ए रेट, बी रेशियो, सी प्रोपोर्शन एंड डी ऑल ऑफ अबव। रेशनल टूल्स ऑफ डेमोग्राफी मेजर आर रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हमने यहाँ पे स्लाइड नंबर 20 के अंदर देखा था कि रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन आर द टूल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हुआ, डी ऑल ऑफ अबव। हमने आज यहाँ पे देखा, यूनिट 6 देखी डेमोग्राफी, जिसके अंदर डेमोग्राफी